राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि रिम्स, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने का गौरव पाने वाला रिम्स। जितना बड़ा यह अस्पताल है उतनी ही ज़्यादा उम्मीदें इस अस्पताल से लोगों को है। कई लोगों के लिए, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह अस्पताल एक वरदान है, लेकिन इस अस्पताल में कई कमियां हैं जो कि समय समय पर मीडिया के माध्यम से सरकार तक दिखाई जाती है। मैं आज आपको कुछ ऐसी ही कमियां दिखाता हूं कि अगर उस कमियों को रिम्स पूरा कर लेता है तो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल का गौरव पाने वाले रिम्स पर हम सभी को नाज होगा। सबसे पहले जब आप रिम्स आएंगे तो रिम्स का यह मुख्य द्वार है, यानी कि बरियातू रोड पर स्थित यह मुख्य द्वार जिसे मेडिकल चौक के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो बोर्ड आप जो देख रहे होंगे उसमें कई ऐसे अक्षर हैं जो अब गिरने के कगार पर हैं। साथ ही जो यह द्वार बनाया गया है उसकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। जगह जगह से जो यह दीवार है, जो यह गेट है, वो टूट गया है और अब यह पूरी तरह से रिपेयरिंग चाहता है, यानी कि इस दीवार को मेंटेन करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि इस दीवार को और ज़्यादा भव्य और खूबसूरत बनाया जाए ताकि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की पहचान हो सके। साथ ही जब आप रिम्स आएंगे तो रिम्स आने के इस मुख्य द्वार से जो सड़क है उस सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इस सड़क को निरोग मार्ग के नाम से जानते हैं, यानी कि इस मार्ग पर जाने के बाद व्यक्ति निरोग हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है एम्बुलेंस के माध्यम से या फिर दूसरे किसी वाहन के माध्यम से रिम्स के इसी सड़क से जाता है और उसके बाद वो रिम्स परिसर में पहुंचता है, उसका इलाज होता है और वो ठीक हो जाता है, इसलिए इस रास्ते का नाम निरोग मार्ग रखा गया है। लेकिन देखिए रास्तों में जो गड्ढे हैं, यह मार्ग खुद बीमार है। वैसे में जरूरत है कि रिम्स के अधिकारी सरकार के नुमाइंदों की नज़र इस सड़क पर जाए और यह सड़क जो लोगों को निरोग बनाता है, यह सड़क खुद भी निरोग बन सके। रिम्स परिसर में आपको कई ऐसे सड़कें देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी खराब स्थिति में है। वैसे में जरूरत है कि रिम्स प्रबंधन इन सड़कों पर ध्यान दे ताकि सैकड़ों की संख्या में जो एम्बुलेंस मरीजों के जान बचाने के लिए इस सड़कों के माध्यम से रिम्स पहुंचते हैं, उनकी जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। अब हम आपको रिम्स के अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ कमियां रिम्स में है जिसे सुधारने की ज़रूरत है, और अगर उन कमियों को सुधार लिया जाता है तो मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। जैसे ही आप रिम्स आएंगे, रिम्स परिसर में रिम्स का सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी कि रिम्स का सेंट्रल इमरजेंसी विभाग का जो बोर्ड लगा है आप देखिए, यह रिम्स का सबसे मुख्य भवन है और यहाँ सेंट्रल इमरजेंसी विभाग है। लेकिन रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी विभाग का जो बोर्ड लगा है वो खुद इमरजेंसी की स्थिति में है, किसी भी वक्त यह बोर्ड गिर सकता है और कईयों को घायल भी कर सकता है। लेकिन रिम्स प्रबंधन का इस बोर्ड पर शायद ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है देख के ठीक लग रहा है, किसी भी वक्त गिरे? नहीं सर, नहीं ठीक लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। क्या कौन स्थिति में? ये तो स्थिति बिल्कुल खराब है, इससे तो गिर गया तो कितने लोगों का जान भी जा सकता है। इमरजेंसी विभाग का बोर्ड है, खुद इमरजेंसी? जी हाँ सर, इमरजेंसी है ही। कैसे इलाज होगा इसका, बोर्ड का? नहीं, बोर्ड का इलाज है कि कोई बनावे तभी ना इलाज है। जो यहाँ का अथी है कार्यकारी बना सकता है तभी ना हो सकता है, जो मालिक है वो बना सकता है, प्रशासन द्वारा कोई भी तो कह सकता है, इसी चलते ना होगा। यहाँ ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है ये देख के ठीक लग रहा है, किसी भी वक्त गिरे? नहीं सर, नहीं ठीक लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। क्या कौन स्थिति में? ये तो स्थिति बिल्कुल खराब है, इससे तो गिर गया तो कितने लोगों का जान भी जा सकता है।
इमरजेंसी विभाग का बोर्ड है खुदे इमरजेंसी में? जी हाँ सर, इमरजेंसी है ही। कैसे इलाज होगा इसका बोर्ड का? नहीं, बोर्ड का इलाज है कि कोई बनावे तभी ना इलाज है। जो यहाँ का अथी है कार्यकारी बना सकता है तभी ना हो सकता है। जो मालिक है वो बना सकता है, प्रशासन द्वारा कोई भी तो कह सकता है, इसी चलते ना होगा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो प्रतापपुर थाना से। प्रतापपुर से आए हैं। रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। जब रिम्स आते हैं इस तरह का बोर्ड देखते हैं तो लगता है कि राज्य का बड़ा अस्पताल है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। नहीं कि जब आते हैं तब लगता है, अंदर में तो कुछ लगता है। मरीज उरीज के लेके आते हैं तो। रिम्स की अगर स्थिति आप देखेंगे तो रख रखाव के अभाव में पूरा रिम्स परिसर आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे यह किसी सुदूरवर्ती जिले का कोई मामूली सदर अस्पताल हो। देखिए, सैकड़ों की संख्या में हर दिन मरीजों को लेकर 108 एम्बुलेंस जो है वो रिम्स पहुंचता है मरीजों को लेकर, ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके, मरीज ठीक हो सके और अपने घर जा सके। लेकिन रिम्स की जो स्थिति दिखती है आप लोगों को, कैसा लगता है? लगता है कि बड़ा अस्पताल है राज्य का? तो बड़ा अस्पताल तो है ही नहीं, लग रहा है बाहर से तो है ही नहीं, लेकिन अंदर से कुछ तो है, कुछ है। लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च होता है पेंट पोचारा मेंटेनेंस रोड इन सब चीज के लिए, लगता है कि खर्च होता होगा? होता तो जरूर होगा, लेकिन बाहर से दिख नहीं रहा। होता तो बाहर से दिखता है? हाँ, बाहर से तो जरूर दिखता। लोग आते हैं इस उम्मीद से ताकि उनका इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन रिम्स की व्यवस्था को देखे, गंदगी को देखे तो शायद नहीं लगता कि कोई मरीज ठीक हो सकेगा। अब आपको रिम्स की कुछ और तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से रिम्स परिसर, जो कि राज्य का बड़ा अस्पताल है जहां सफाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वैसे में किस तरह से कचरे का जो अंबार है वो रिम्स परिसर के विभिन्न जगहों पे आपको बिखरा हुआ देखने को मिल जाएगा। साफ सफाई किसी भी अस्पताल की पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन अगर आप रिम्स आएंगे तो रिम्स परिसर में जगह जगह पर आपको गंदगी देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, रिम्स परिसर का यह मुख्य सड़क है जहां गंदगी और कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। हर दिन जो लोग हैं वो इस जगह पर गंदगी को डालकर, कचरे को डालकर चले जाते हैं। रिम्स प्रबंधन वैसे लोगों पर ना ही कोई लगाम लगा पा रहा है और ना ही इस जगह पर बिखरे हुए जो गंदगी है उसे साफ कर पा रहा है, जबकि काफ़ी महत्वपूर्ण यह जगह है। इसी रास्ते से होकर जो मरीज है वो विभिन्न वार्डों में, विभिन्न अस्पतालों में जाते हैं, और वैसे में उन मरीजों को भी इन गंदगी और कचरों का सामना करना पड़ता है। अगर यह कचरा नहीं हटाया जाता है तो इस कचरे से कई तरह के संक्रमण की जो बीमारियां हैं वो फैल सकती है। यानी कि आप रिम्स आएंगे इलाज के लिए, लेकिन इस तरह के कचरे का सामना आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इन गंदगी, इन कचरों से निकलने वाला जो संक्रमण है वो आपको और ज़्यादा बीमार कर सकता है। और रिम्स परिसर की ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं है, आपको रिम्स परिसर में जगह जगह पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहां कचरे का अंबार है। कई लोग हैं जो कि जानबूझकर रिम्स में गंदगी फैलाते हैं। जो गंदगी है यहां से कई तरह का संक्रमण निकल सकता है। लोग आते हैं अस्पताल में बीमार के ठीक हो जाएंगे, नहीं लगता है कि और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे? बिल्कुल होगा। देखिए, इसमें आम पब्लिक को भी जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ का साफ सफाई व्यवस्था तो बहुत, अंदर का तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये रोड साइड का जो दिखाई दे रहा है सामने पे वो तो बिल्कुल खराब ही है, ठीक है ना। लेकिन आम पब्लिक जो आते जाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो जहाँ डस्टबिन हो वहाँ ही कचरा को डंप करना चाहिए। ये तो आम आदमी में भी जो है सो आज के डेट में कोई भी आदमी जो है सो इलिटरेट नहीं है, बिल्कुल लिटरेट। बिल्कुल सही कहा कि आम आदमी को जागरूक होना होगा, क्योंकि रिम्स और सिर्फ यहाँ के लोगों का ही कर्तव्य नहीं है, आम लोगों का भी कर्तव्य है। लेकिन लाखों रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं रिम्स परिसर में सफाई के लिए, स्क्वायर फीट के हिसाब से सफाई का जिम्मा भी दिया गया है, बावजूद इस तरह की गंदगी सही दिखती है? ये तो चिंतनीय बात है, सोचने वाली बात है ना। इसमें जो है तो मतलब यहाँ के जो नगर निगम का जो जैसे ये है, प्लस सरकार को भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो मरीजों की आधी बीमारी जो है वो सफाई को देखकर ही ठीक हो जाती है,
लेकिन अगर आप रिम्स परिसर आएंगे तो रिम्स में आपको जगह जगह पर कूड़ों का जो अंबार है वो देखने को मिलेगा। और वैसे में दूर दराज क्षेत्रों से आए जो लोग हों उन्हें यह लगता है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में गंदगी की अंबार पड़ी है। रिम्स में लाखों करोड़ों रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट बड़े ही आसानी से खरीद तो लिए जाते हैं लेकिन इनका सही मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। यही कारण है कि रिम्स परिसर में करोड़ों रुपए के वाहन जो है वो आपको ऐसे ही सरते हुए दिख जाएंगे। देखिए रिम्स का कार्डियक एम्बुलेंस है, रिम्स का एम्बेसडर है जो कि पहले सड़कों पर दौड़ लगाया करता था, कई कार्डियक एम्बुलेंस हैं, सुमो एम्बुलेंस है जिसने कई मरीजों की जान बचाई होगी, लेकिन अब यह खुद बीमार है और स्थिति ऐसी कि आप देखिए कि किस तरह से पिछले कई महीनों से इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, पूरी तरह से कबार हो चुका है यह एम्बुलेंस और अब शायद किसी काम के नहीं है। लेकिन रिम्स प्रबंधन ने इस कबार एम्बुलेंस को रखने के लिए व्यवस्था बेहतर रखी है। देखिए शेड का निर्माण किया गया है ताकि बरसात के मौसम में इन कबार एम्बुलेंस को जो है वो पर पानी नहीं पड़े और यह सरे नहीं, जबकि यह पूरी तरह से कंडम हो चुका है। नए एम्बुलेंस खुले में पड़े हैं और कबार एम्बुलेंस जो है उनके लिए शेड बनाया गया है। इस बार भी रिम्स के शासी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रिम्स के ब्लड बैंक के लिए एक एम्बुलेंस खरीदा जाएगा और उस एम्बुलेंस के खरीदारी पर स्वीकृति भी हो गई है। लेकिन देखिए कि रिम्स का एक रक्त जो दान एम्बुलेंस है वो पड़ा है, कबार की स्थिति में चला गया है, लेकिन इस एम्बुलेंस को बनाकर जो है वो रिम्स प्रबंधन यूज नहीं करना चाहता बल्कि नई जो है वो रक्तदान वाहन खरीद रहा है, जबकि लाखों करोड़ रुपए के इस एम्बुलेंस में महज कुछ पैसे के खर्च कर देने के बाद जो है वो उसे बनाया जा सकता है और यह लोगों की जान बचाने में सहयोग करेगा। सरकार का पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए का देखिए महंगा महंगा गाड़ी जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी हम लोग खुद पेशेंट लेके आए हुए हैं तो बेड नहीं मिला हम लोगों को और नीचे सुला दिया गया पेशेंट, इंजेक्शन दिलाने के लिए घूम रहे लेकिन कोई देने वाला नहीं है, सिस्टर कोई बोलता है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ मरीज ही आ रहा है। नया एम्बुलेंस खरीद रहा है लोग, इक्विपमेंट खरीद रहा है मेडिकल इक्विपमेंट, लेकिन जो पुराना रखा हुआ है उसको तो मेंटेनेंस करना होगा ना जी। मरीजों के लिए देखिए व्यवस्था के लिए किया जाता है मगर यहाँ पे देखिए कोई भी लापरवाही है। अभी मैं यहाँ हॉस्पिटल में आए थे एडमिट के लिए तो मैंने मरीज को एडमिट किया पर वो कहाँ पर नीचे सुला दिया हूँ, उसके बाद क्या हो रहा है उसका नर्स को बोलने जा रहा है, मतलब नर्स नहीं है इसमें ज़्यादा, अभी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, इस कारण से मतलब कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। खरीदा गया है रिम्स का 100 वाहन खरीदा गया है वो खुले में पड़ा है, अभी बरसात हो रहा है पानी पड़ रहा है, जंग लग जाएगा, जो एम्बुलेंस जंग लग चुका है खराब हो चुका है उसको देखिए सेट बना के रखा गया। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा ही पैसा से ये सब खरीदा गया हुआ है, हम टैक्स पे करते हैं उस पैसे से एम्बुलेंस हो गया या जितने भी यहाँ पे मेंटेनेंस का चीज़ होता है वो खरीदा गया, इसको बर्बाद हो जाता है तो जैसे कि वैसा छोड़ देते हैं, फिर नया परचेज करते हैं, इसके लिए नया परचेज करते हैं कि उसमें उन लोगों का कमीशन बनता है ना, जब नया नहीं परचेज, पुराने में तो मेंटेनेंस में 1500 रुपये का मेंटेनेंस होता है और नया में लाखों रुपये का होता है, तो लाखों रुपये का अगर कमीशन नहीं खाएंगे तो बचेगा कैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और शायद यही कारण है कि रिम्स में सामानों के खरीदारी में कमीशन का जो मामला है वो कोई नया नहीं है। डेंटल विभाग में के 35 लाख के एम्बुलेंस को 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया और शायद यही कारण है कि आप देखिए कि जो अत्याधुनिक कार्डियक एम्बुलेंस हैं वो धूल फाँक रहे हैं, कबार हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसके मेंटेनेंस की दिशा में रिम्स प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया बल्कि हर दिन नए एम्बुलेंस की जो खरीदारी है उसकी प्रक्रिया चल रही है। अगर इन एम्बुलेंस को कुछ पैसे लगाकर रिपेयर कर दिया जाता तो शायद यह एम्बुलेंस पहले की तरह मरीजों का
जान बचा सकते थे, लेकिन अब शायद इन एम्बुलेंस को खुद अपनी जान बचानी पड़ रही है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बेहतर रख रखाव के अभाव में रिम्स में लाखों करोड़ों रुपए के जो एम्बुलेंस हैं वो काबार हो चुके हैं, अब वो बेकार हो चुके हैं। लेकिन कुछ और एम्बुलेंस हैं, देखिए यह 100 वाहन है, करीब आधा दर्जन 100 वाहन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रिम्स को दिया गया था ताकि रिम्स में इलाज के दौरान जिन लोगों की मौत हो जाती है उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए। सरकारी जो है वो नियम तय किए गए हैं, कई बार जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, रिम्स में इलाज के लिए आते हैं, उनकी मौत हो जाती है और वैसे में निशुल्क स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैसे परिवार के जो सदस्य जिनकी मौत होती है उन्हें उनके घर भेजा जाता है। लेकिन यह एम्बुलेंस कहीं ना कहीं रख रखाव का अभाव झेल रहे हैं, खुले में इन 100 वाहनों को रखा जा रहा है और जल्द ही यह एम्बुलेंस जो हैं वो भी काबार की स्थिति में तब्दील हो जाएंगे और इस ओर रिम्स प्रबंधन का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि खुद एम्बुलेंस चालकों ने रिम्स प्रबंधन से यह अनुरोध किया, खुद स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बात की जानकारी दी कि जो नए 100 वाहन हैं मोक्ष वाहन हैं वो खुले में पड़े रहते हैं, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो, ऐसे ही खुले में यह एम्बुलेंस पड़े रहते हैं। रिम्स में जो है वो अत्याधुनिक सामान खरीद लिए जाते हैं लेकिन उसका बेहतर रख रखाव नहीं किया जाता है। देखिए मेरे बगल में आपको एक कार्डियक एम्बुलेंस देखने को मिलेगा, यह कार्डियक एम्बुलेंस है जिसमें जीवन रक्षक सभी यंत्र मौजूद हैं, करोड़ों रुपए के लागत से इस एम्बुलेंस को बनाया जाता है ताकि अगर किसी घटना दुर्घटना में किसी व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रिम्स लाना हो तो रिम्स लाने के दौरान एम्बुलेंस में ही वो सभी सुविधाएं उस मरीज को मिल सके ताकि वो अस्पताल आकर उसका बेहतर इलाज किया जा सके और वो ठीक हो सके। लेकिन देखिए लाखों करोड़ रुपए के जो कार्डियक एम्बुलेंस हैं वो भी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, गर्मियों में जो है वो धूल फांकते हैं, बरसात के मौसम में इनमें पानी लगता है और कहीं ना कहीं जंग की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो रिम्स प्रबंधन को चाहिए कि समय रहते इन एम्बुलेंसों के रखने के लिए एक बेहतर व्यवस्था की जाए, एक पार्किंग की व्यवस्था की जाए, एक शेड का निर्माण किया जाए ताकि इन एम्बुलेंसों को सही तरीके से रखा जा सके। अब चलिए रिम्स की कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था रिम्स में होनी चाहिए जो रिम्स प्रबंधन ने नहीं कर रखा है। पहले कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जो घटना है वो देखने को मिली है। आप देखिए कि रिम्स में जो बिजली का तार है वो किस तरह से आपको जो है वो बिखरा हुआ पड़ा देखने को मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिसिटी विभाग के द्वारा समय समय पे इन वायरों की चेंजिंग की जाती है लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिक का वायर है वो जंजाल स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग में आग लगने की जो घटना है वो देखने को मिली है, रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी विभाग में भी आग लगी थी और देखिए किस तरह से, क्योंकि रिम्स काफ़ी पुराना अस्पताल है, यह जो भवन है वो काफ़ी पुराना है और वैसे में जो भी विद्युत संबंधित जो यह वायरिंग की गई है वो काफ़ी पुरानी है, लगातार इन वायरों पर जो लोड है
वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक इन वायर को चेंज नहीं किया जाता है और यही कारण है कि समय समय पर रिम्स में आग लगने की जो घटना है वो देखने को मिलती है। कुछ महीने पहले ही रिम्स के इमरजेंसी विभाग में आग लगने की एक घटना घटी थी, जिसके बाद से पूरे रिम्स परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। रिम्स के कर्मचारियों के मदद से जल्द इमरजेंसी विभाग में पड़े मरीजों को रिम्स से बाहर निकाल दिया गया था। पूरे इमरजेंसी विभाग में जो है वो धुआं जो है वो आग का वो पसरा हुआ था। देखिए जो बिजली का बोर्ड है वो लगा हुआ है और किस स्थिति में है, कई ऐसे तार हैं जो नग्न अवस्था में हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस तार के संपर्क में आता है तो उसे करंट लग सकती है। काफ़ी नीचे जो है वो यह बोर्ड है, वैसे में ज़रूरत है कि इसे सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि हर दिन सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो रिम्स पहुंचते हैं और वैसे में आम लोगों के संपर्क में यह विद्युत का तार नहीं हो इसका ख्याल रखना चाहिए। जो पुराने वायरिंग हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। इन वायरिंगों के अलावा हम आपको यह भी दिखाएंगे कि अगर रिम्स परिसर में कोई अनहोनी होती है, आग लगने की अगर कोई घटना घटती है, तो रिम्स के पास उस आग पर काबू पाने के लिए क्या व्यवस्था है वो हम आपको दिखाएंगे। अब रिम्स के फायर फाइटिंग की व्यवस्था देखिए, भगवान ना करे अगर रिम्स में कोई अप्रिय घटना घटती है, अगर आग लगने लगती है, तो रिम्स प्रबंधन वो क्या व्यवस्था कर रखा है जिससे आग पर काबू पाया जाएगा। आप देखिए, मैं इस वक्त रिम्स के पेइंग वार्ड में हूँ। हाल ही में इस भवन का निर्माण किया गया था, इस भवन की शुरुआत की गई थी और उसके बाद से यह भवन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर बात करें तो राजद सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी इसी वार्ड में है और कोरोना के संक्रमण के दौरान इस यह जो वार्ड है रिम्स का पेइंग वार्ड वो काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ड था, क्योंकि कई बड़े जो VIP चिकित्सक हैं, जो लोग हैं, वो कोरोना के संक्रमण के दौरान इसी पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। फिलहाल अभी भी कई कोरोना के जो मरीज हैं वो इस पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लेकिन फायर फाइटिंग की क्या कुछ व्यवस्था है वो देखिए, अगर रिम्स के पेइंग वार्ड में भगवान ना करे अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, आग लगने की घटना घटती है, तो कैसे काबू पाया जाएगा। जो भी फायर फाइटिंग की जो व्यवस्था है उसकी स्थिति देखिए, यहाँ जो नोजल होना चाहिए जिसके द्वारा जो है आग पर काबू पाया जाता है वो फिलहाल इस बॉक्स में मौजूद नहीं है। साथ ही अगर आग लगती है तो जो पानी की सप्लाई है जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है उसकी भी स्थिति आप देखिए, जबकि हर महीने जो है इन सभी चीज़ों के मेंटेनेंस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन रिम्स के अधिकारियों की यह उदासीनता कहें कि हाल ही में बना यह नया भवन रिम्स का 100-bedded पेइंग वार्ड में की जो व्यवस्था है वो कितनी दयनीय है, साथ ही जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। और रिम्स प्रबंधन को जो है हर बार इस तरह की तस्वीर मीडिया के माध्यम से दिखाई जाती है, बावजूद रिम्स के जो पदाधिकारी हैं उनकी जो नींद है वो नहीं खुलती है। रिम्स के जब पेइंग वार्ड आप पहुंचेंगे तो पेइंग वार्ड के मुख्य द्वार के पास आपको एक फायर फाइटिंग के लिए छोटा सिलेंडर लगा हुआ दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा पर्सन अभय से बोलता हूँ, अभय इसे क्लोज करें और दिखाएं कि देखिए इस सिलेंडर का जब इंस्टॉलेशन किया गया था तो 9/4/2018 को किया गया था और इस सिलेंडर का जो एक्सपायर डेट है वो 8/4/2019 को है, यानी कि पिछले कई महीने पहले यह जो सिलेंडर है वो एक्सपायर हो चुका है और वैसे में अब तक इस सिलेंडर को नहीं बदला गया है। अगर रिम्स के पेइंग वार्ड में आग लगने की घटना होती है तो रिम्स के पेइंग वार्ड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आग पर काबू पाया जा सके। तो कहीं ना कहीं रिम्स के कर्मचारियों की उदासीनता है कि रिम्स अभी भी खतरे में है। सहयोगी अभय के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11, रांची।
हूँ।